मुसलमानों को ये बताया है कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल वह कैसे कर सकते हैं। कुरान व हदीसों में साफ बताया गया है कि मुसलमान को खाने से लेकर दवा में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते। आम हालातों में इस्लाम धर्म में यह कहते हैं कि हराम की चीज़ खाना पीना सख्त मना है, इसीलिए हराम है। लेकिन इंसानी जान बचाने के लिए किसी भी हराम चीज़ का इस्तेमाल जायज़ होता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ शुगर के पास मिलाए गए हैं, इसलिए हम यह कहेंगे कि जिस वैक्सीन में हराम चीज़ शामिल नहीं है उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब तक एक ऐसी वैक्सीन कोई नहीं आ जाती जिसमें हराम की चीज़ शामिल नहीं है, ऐसा नहीं कि इंसान की जान बचाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन मार्केट में कई दवाइयाँ मौजूद हैं, बावजूद इसके उस दवाई का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें हराम चीज़ें शामिल हैं और ये सही नहीं है। बाय डॉक्टर रियाजुल इस्लाम नवरी, सचिव स्तरीय काउंसलिंग जमात इस्लामी हिंद दिल्ली। कोरोना वैक्सीन का विरोध नहीं किया है, बल्कि हमने मुसलमानों को ये रहनुमाई की है कि अगर कोरोना वैक्सीन आ जाए, लॉन्च हो जाए, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस ताल्लुक से हमने ये बताया है कि अव्वलन तो मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें, क्या चीज़ इस्तेमाल ना करें। कुरान में और हदीस में जो मुस्लिम लाज हैं उसमें मुसलमानों को यह बताया गया है कि खाने के मामले में, पीने के मामले में या इलाज के मामले में वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इस्तेमाल करना उनके लिए जायज़ नहीं है। तो पहली बात यह है कि इस्लाम ने हलाल और हराम को वाज़े किया है। आम हालात में इस्लाम ये कहता है कि कोई हराम चीज़ न खाना जायज़ है, न पीना जायज़ है और न ही इलाज में कोई हराम चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात है कि इस्लाम कहता है कि इंसानी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसानी जान ज़ाय हो रही हो, कोई हलाक हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में कोई नाजायज़ चीज़ और हराम चीज़ है उसका भी इस्तेमाल जायज़ हो जाता है। इससे किस तरीके चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन में? कोरोना वैक्सीन के बारे में ये सुनने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि उसमें पॉर्क के कुछ पार्ट्स का जेलेटिन इस्तेमाल किया गया है। तो एक तो हमने तो एक बात ये कही है कि अभी ये साबित नहीं है। जो वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है और जो आइंदा भी और कंपनियां जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके कंटेंट्स क्या हैं अभी ये मालूम नहीं है। तो अभी ये बात तो पहली ये एडवांस है कि उसमें कोई गलत चीज़ है कि नहीं है, अभी ये बात साबित नहीं है। तो जो वैक्सीन आ जाएंगी, लॉन्च होंगी, उनमें देखा जाएगा कि उनमें से किसी में कोई मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हराम चीज़, नाजायज चीज़ उसके कंटेंट्स में शामिल है या नहीं है। अगर ये साबित हो जाएगा कि कोई चीज़ उसमें शामिल है, तो अगर कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें कि कोई हराम चीज़ शामिल है, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो वैक्सीन पाक साफ हैं जिनमें कोई गलत चीज़, हराम चीज़ शामिल नहीं है, उनका यूज़ किया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी एक ही वैक्सीन आती है जिनमें कि मालूम हो जाए क्लियर कट कि उसमें कोई हराम चीज़ शामिल है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इंसानी जान को बचाने के लिए और उसको हलाकत से महफूज करने के लिए उस टाइम तक जब तक कि उसका अल्टरनेट ना आ जाए उस वक्त तक उसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन अगर मार्केट में कई वैक्सीन आ जाएं, किसी एक में तो हराम चीज़ हो और दूसरी वैक्सीन में कोई हराम चीज़ ना हो, तो हम कहेंगे कि उन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए जिनमें कि कोई हराम चीज़ शामिल नहीं है और जिसके बारे में क्लियर कट मालूम हो कि उसमें कोई हराम चीज़ शामिल है, उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरब ने इस चीज़ को कह दिया गया कि ये जान बचाने की कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, तो ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। इस्लाम कहता है कि इंसानी जान को बचाना ज़रूरी है, इसलिए उस सूरत में जबकि कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव वैक्सीन नहीं है, उस सूरत में अगर किसी वैक्सीन में कोई हराम उसके कंटेंट्स में कुछ शामिल है तो भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव मौजूद हैं, पूरी दुनिया में कई मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो अगर कुछ
कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें कि कोई हराम चीज़ शामिल नहीं है और कुछ वैक्सीन के बारे में ही मालूम होता है कि उसमें हराम चीज़ शामिल है, ऐसी सूरत में उस हराम जिसमें शामिल है उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। जो दूसरी वैक्सीन जो सेम है, जो सेफ़ हैं, उनको इस्तेमाल करने की बात कही जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में सिर्फ एक ही वैक्सीन है और मालूम है कि उसमें कोई हराम चीज़ शामिल है, तो इंसानी जान को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ होगा उस वक्त तक के लिए जब तक कि उसका कोई अल्टरनेट ना वजूद में आ जाए मार्केट में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजीउल इस्लाम नदवी। मैं जमात इस्लामी हिंद की शरिया काउंसिल का मैं सेक्रेटरी हूँ।